तो अभी हम हैं राहुल के घर पे। आज की जो जर्नी है हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, रोड ट्रिप पे हम जाएंगे, मॉनसून रोड ट्रिप पे। बाकी आपको रोड शो भी बताएं। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमारी जर्नी स्टार्ट होगी तकरीबन 2:30 बजे तक। तो हम आपसे तब मिलते हैं, अभी थोड़ा खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अभी हम जहाँ जाएंगे वो हम आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि वो सीक्रेट है थोड़ा। तब तक के लिए हम हमारे साथ बने रहिएगा और ऐसी बिल्कुल वीडियो देखते रहिए, ऐसी बिल्कुल ऐसी। तो फाइनली अब हम तैयार हो चुके हैं, सब ने आराम कर लिया है और अब हम बस अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी आ गया फ्रेश होके, अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ से चलते हैं, कैसे चलते हैं। तो रात के 2 बज चुके हैं और बाहर अभी हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं, तो हम उनसे मिलते हैं, तो चलते हैं। चलिए अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं और थोड़ी कमर सीधी कर ले भाई, बहुत मतलब बैठे बैठे चूतड़ा हमारे बिल्कुल जाम हो चुके हैं और हमारे बहुत सूज गए हैं भैंस की। तो एक बहाना मैंने ढूंढा था, मैं टॉयलेट करने, ऐसे रुकने वाले नहीं थे, मेरा टॉयलेट लग रही बहुत तेज भाई, इतने साइड में रोका, फिर तब से हम रेस्ट ही रेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे खड़े ही हैं, सब थके थे, मैंने बता नहीं रहा था कोई। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो निकल के हम थोड़ा कहीं देखते हैं, कोई ढाबे वाबे में चाय वाय पीते हैं, तो थोड़ी दूर तमाम सीधा आपसे वहीं मिलते हैं। तो पार करते ही है। सबको लेके जाऊंगा। अच्छा, किसको रे बार किसको लेके जाएगा, किसको नहीं लेके जाएगा? मैं सबको लेके जाऊंगा, तेज बोल भाई, टूरिस्ट बस करूंगा मैं। टूरिस्ट बस करूंगा पीछे लॉरी ले। अरे आपसे पूंड के अंदर चाय पीने का मजा आएगा। थोड़ी बहुत थकान, मेरे को थोड़ी बहुत थकान हुई है। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या है इसके अंदर? दिस इज 1 रुपी पास्ता, आखिरी रास्ता। अरे यार तो अभी हम रुके थे थोड़ा ब्रेक के लिए, थोड़ी चाय पी और जिसको जो खाना था वो खाया। तो अभी हम चलते हैं अपने सफर पे और कहाँ जा रहे हैं वो आप आगे देखना। तो चलते हैं हम, बाय।
लाइक करे फॉलो करे तू खुद ही बना रहा कुछ भाई मेरे को भी फॉलो करे लाइक करे कॉमेडी चल रहा है ये कॉमेडी चल रहा है छोटू मोटू भाई नू कह रही मैं पानी पानी हो गई पारिवारिक ब्लॉग बन रहा वहां पे तो हम अपने पहले डेस्टिनेशन आ चुके हैं उसका ये रहा ये नहीं ये फतेहपुर सीकरी। तो अभी हम आपको अंदर मिलते हैं टिकटॉक स्टाइल में। कैसे टिकटॉक स्टाइल में हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा जूते 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 उतार ले भाई क्या बोल रहा है ये लो जूते जूते हैं जूते ₹30 आने की बात है भाई ये थोड़ा साइड यहाँ से अभी एंट्री है हमारी। बहुत शोर है तो अभी चलते हैं अपन अंदर और देखते हैं। अभी बड़े बड़े हजी बड़े कैमरे आते हैं तो उनका लोकेशन मालूम होता है। आप फ्रेंड नहीं चाहे तो आपको मोबाइल में दे देंगे तो फोटो खींच के तुरंत। नहीं 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 फोटो ले खाते उधर तो क्यों ले जा रहा है। अरे आप सुन लीजिए बड़े भाई देखिए यहाँ जो आप लोग आए हैं विजिट करने के लिए फतेहपुर सीकरी दो जगहें देखने के लिए फतेहपुर एंड सीकरी दोनों ही जगह अलग अलग। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। ठीक है कितने पुराने यहाँ पे? यहाँ पर समथिंग हमको 12 साल हो गए। 12 साल हो गए? 12 साल आपको यहाँ पे हो गए हैं। हाँ जी बताइए फिर। तो यहाँ जो आप लोग आए हैं दो प्लेस है देखने के लिए फतेहपुर एंड सीकरी दोनों ही प्लेस डिफरेंस हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये जगह है फतेहपुर। अभी रास्ते में जो आप लोग आए गांव में होगा आपको भाई लेकर आए वो गांव है सीकरी। कम्बाइंड मिलाकर बोला जाता है फतेहपुर सीकरी लेकिन बादशाह अकबर जब यहाँ आए थे फर्स्ट टाइम ये फोर्ट नहीं का ना ही है दरगाह थी जितना भी है। तो ये जो गेट हम लोगों ने एंट्री किया अभी उस गेट का नाम है रॉयल गेट। Hey, y'all come look at this. तो उससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाऊंगा सुनिएगा। क्या बात है आप लोगों के ऊपर में। ठीक है अर्ज किया जाए अर्ज किया जाए सुनिए के झूमती बोतल के झूमती बोतल तो कभी शराब नहीं होती झूमती बोतल तो कभी शराब नहीं होती और खिलती गली तो कभी गुलाब नहीं होती। और बनवाने के लिए तो आप भाई भी एक ताजमहल बनवा देते मगर हर लड़की मुमताज नहीं होती। गंदी धूप है अब यहाँ पर रुकने का कोई मतलब भी नहीं है यार। धूप पे तो बिल्कुल मत आओ। मौसम अच्छा हो तो आने की सोचना भी। और यहाँ पर देखो अभी देखो मेरे बोलते ही मौसम कितना प्यारा हो गया। अरे ये देखो पीछे बादल ही बादल और ये बंदरवाजा
मतलब खुला है फिलहाल तो, पर दरवाजा है। शेयर करो तो चमन की करो, शेयर करो तो चमन की करो, और बाजार में क्या रखा है, मगर कत्ल करो तो निगाहों से करो, लेकिन तलवार में क्या रखा है। क्या हम लोग सुरंग देखेंगे अनारकली वाला, ठीक है, फिर हम लोग अपना हाइट कवर करेंगे, शर्ट ढक के हैंड वॉश करके दरगाह पर जाएंगे अंदर में। ऐसी ये 21 शॉप लगती है दरगाह की तरफ से, जो लोग लेके दरगाह जाते हैं, क्योंकि वैसी शॉप कोई अलाउड नहीं होती है, मदरसे की शॉप अलाउड होती है। सुनिए के पत्ती पे गिरे शबनम, पत्ती पे गिरे शबनम तो पत्ती कभी नम नहीं होती, पत्ती पे गिरे शबनम तो पत्ती कभी नम नहीं होती, और बड़े भाई की और मैडम की जुदाई लाख हो जाती है, मगर मोहब्बत कभी कम नहीं होती। ये बेटे पहुंच कर दी बैक साइड से हवा जब चलती है दीवार से टकरा के नीचे आती है, हवा नहीं चलती है नहीं आती है भाई। आगे से चाची का भी छपरी बॉयज यार, टिकटॉक पर छपरी बोले गजब बेइज्जती है। अब हम बस अब वापस जा रहे हैं, वहाँ अंदर से आ गए और दरगाह में होकर आए, तो वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसे few moments later bas just abhi bahar nikle hain। समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। तो अब हम दर्शन करके आ चुके हैं और हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, और थक चुके हैं तो हम आपसे मिलते हैं प्रेम मंदिर। तो हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर, हम आपसे वहाँ मिलते हैं, तो वहाँ का नजारा दिखाते हैं। यहाँ का दिखा नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे कैमरा दिखा नहीं सकते थे इतना। तो अभी हम आए हुए प्रेम मंदिर, और जरा यहाँ भी देख, यहाँ भी थोड़ा दर्शन कर ले और फिर यहाँ से भी निकलते हैं, तो देखते हैं हम अंदर जाके। तो तब तक देखिए, क्राउड है यहाँ पे तो, और मेरे को लगता नहीं यहाँ कोरोना के भी किसी को डर होगा। तो बस हम भी अब आए गए भूले भटके, तो अब चलते अंदर। वैसे अंदर का नजारा मैं देख के अचंभित हो चुका, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। अनुज तू बता, तेरे को कैसा लग रहा? राधे राधे। लग कैसा रहा यहाँ पे? राधे राधे।
ये बड़ी अच्छी बात कही है।